गुड मॉर्निंग सुबह खैर खुदाम के पाक जलाली आला और मोतम ना में आप नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और मेरी तरफ से पी एम आई टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सबों को ईद क्यामतुलमसी हैप्पी रेजोरेक्शन डे गुड मॉर्निंग और आपको भी मुबारक so hmm. के के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर में मुर्दों में से जी उठना और उसके जी उठने की ईद मनाई जा रही है सेलिब्रेट की जा रही है पी एम आई टेलीविजन के स्टूडियो से ये खसूसी ट्रांसमिशन जो आप तक पहुंच रही है अजीजो हम शुक्रगुजारी करते हैं आज मॉर्निंग स्टार में खसूस ट्रांसमिशन पर कलाम खुदा पर गौर करेंगे प्रस्िश करेंगे कि वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक अपने कॉल के मुताबिक खुदाम के नाम को जलाल देंगे तो मैं चाहता हूँ कि खुदा की खाद मास्टर आज मॉर्निंग स्टार में हमारे लिए जो तिलावत है वो पढ़ने में हमारी रानमाई फरमा दें और आज की जो तिलावत है वो यहुना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका बीसवें बाबर उसकी ग्यारहवीं आयत से लेकर सोलहवीं आयत मुकदस तक जो है पढ़ने में रान जी एस्टर। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्ट्र मुबारक हो और क्या बहुत बहुत मुबारक हो अभी हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे की खुदा दी युसी जी उठे हैं और उसने हमारे लिए क्या किया है खुदा के कलाम मुकदस में यूं रकम है लेकिन मरियम बाहर कबर के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ़ झुक कर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए एक को सुरहाने और दूसरे को पंताने बैठे देखा जहाँ की लाश पड़ी थी उन्होंने उससे कहा औरत तो क्यों रोती है उसने उनसे कहा इसलिए कि मेरी खुदावंत को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है यह कह कहकर वो पीछे फिरी और यसु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यसु है यसु ने उसे कहा औरत, तो क्यों रोती है किसको ढूंढती है उसने बागबान समझकर उससे कहा मियाँ अगर तो उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ यसु ने उसे कहा मरियम उसने मुड़ उससे अबरानी जबान में कहा रबूनी यानी ए उस्ताद थैंक यू सो मच एस्ट्रा आपने कलाम खुदा में से जो हमारे लिए हवाला पड़ा है वो बड़ा जबरदस्त है अजीज हो मुकदस कलाम पर हम गौर करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें और दुआ से हम गुफ्तगु को शुरू करेंगे आए मिलकर झुकें और दुआ मांगें ए खुदा तू जो लश्करों का खुदा है रब अफवाज है फौजों का रब है लेकिन हमारा बाप है पिता है खुदावंद है मालिक है क्रिएटर है बनाने वाला है हम शुक्रगुजारी करते हैं आज का दिन जलाल और कुदरत का दिन है जश्न का दिन है शुक्रगुजारी का दिन है yes. क्योंकि ये सुमसी कबर पर मौत पर और ईबलीस पर और गुनाह पर गालिब आया वो मुर्दों में से जी उठा है yes. और हम शुक्रगुजारी करते और तेरे जिंदा और कदूस नाम को मुबारक कहते हैं yes. जितनी भी बातचीत हम करें आज ईद क्या मसीह के मौका पर ए खुदा हम सबों के लिए मेरे और एस्टर के लिए नाजरीन के लिए पी एम आई टेलीविजन के जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं खुदावंद उन सबों के लिए बरकत और तरक्की का बास हो खुदा यूसु के नाम में आमीन आमीन एस्टर आपने जो कलाम खुदा में से हिस्सा पड़ा है तिलावत की है वो युहनर रसूल की मार्फत इंजीली बयान जो कलम बंद किया गया है उस आ, सारे पैसेज के अंदर जो बात मेरे सामने आ रही थी hmm. वो ये थी कि मरियम मददलिनी के बारे में hmm. लिखा है पहले दो फरिश्ते जो हैं hmm. वो उससे पूछते हैं कि औरत क्यों रोती है और फिर उसके बाद जब खुदा मसीह उसके सामने आते हैं और उस वक्त वो क्योंकि मायूसी और दुख और करब में बहुत ज्यादा वो इस कदर परेशान थी कि खुदाबन सामने और पेचाने, वो पहचान नहीं रही है ना रही। तो ये बात मेरे सामने आ रही थी कि दो दफा उसे कहा गयात तू क्यों रोती है तो ये बात जो थी ये गौरतलब थी मेरे लिए इस मौका पर अजीजों जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है ऐ औरत तू क्यों रोती है तो आज आपके सामने ये मौजूद है यह सवाल भी है कि आप क्यों रोते हैं ठीक है आप क्यों उदास हैं आप क्यों परेशान हैं आप क्यों मायूसियों में खोए हुए हैं ठीक है तारीखियों में डूबे हुए हैं कई लोग बहुत ज्यादा तारीखियों में डूब जाते हैं मायूस हो जाते हैं और कई लोग तो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं इस कदर मायूस हो जाते हैं ठीक है तो इसी तरह हम इस जगह पर देखते हैं कि मरियम अदलिनी जो है मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बयान करना चाहता हूँ कि मरियम अदलिनी जो है इसे यसु मसीह ने इसमें से बदरूहे निकाली थी और एक बड़ी बदरूहों का लश्कर था इसके अंदर खुदा ने इसे डिलीवर किया डिलीवरेंस का ऐसे एक्सपीरियंस हो गया इसे डिलीवरेंस का एक्सपीरियंस था लेकिन यीशु का मुर्दों में से जी उठने वाला एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए रो रही है। इसी तरह बेशुमार लोगों की जिंदगी में शिफा नाजिल हुई है लेकिन सुमसी के मुर्दों में से जी उठने वाली जो कुदरत है उसके भेद से ना वाकिफ है इसलिए वो रोते हैं अब ये मगलिनी और ये फैमिली ये खानदान यीशु मसीह की बड़ी खदमत करते थे और आप जानते हैं कि इसका भाई जो है खुदा यीशु ने उसे में मुर्दों में से जिंदा किया था अब इसे यह भी तजुर्बा था कि यीशु ने मेरे भाई को मुर्दों में से जिंदा किया है ठीक है। फिर एक और इसका एक तजुर्बा था कि यीशु के कदमों में बैठकर तालीम पाती थी सीखती थी ठीक है अब सीखने वाली बात यह है कि यीशु के कदमों में बैठकर सीखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल और इससे डिलीवरेंस का एक्सपीरियंस यीशु मसीह ने इसके भाई को जिंदा किया इसका एक्सपीरियंस ये सारे एक्सपीरियंस थे लेकिन इसके बावजूद ये रो रही है क्योंकि अभी तक ये के मुर्दों में से जी उठने वाला जो भेद है、, है जो जो है उसकी उसका इल्म है उसका जो अ, अ, मिस्ट्री है ये आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री है कि यसु मसलूब हुआ है यसु मसी दफन हुआ है यसु मसी मुर्दों में से जी उठ है वो आज भी इस बात को समझने से कासिर है बिल्कुल तो जो लोग इस बात को नहीं समझे वो रो रहे हैं लेकिन जिन पर यह भेद खुल गया है। बहुत शुक्र गुजारी बना बिल्कुल और जो मैं चीज लर्न कर रही हूँ इस सारे पैसेज से जी देखे मगलिनी को कितने एक्सपीरियंस हुए जैसे अभी आपने बताया भी है तो इट मीन्स के जब हम तोबा कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग तोबा पर ही रुक जाते हैं हाँ। वो यही समझते हैं कि हमने तोबा कर ली अब है। बस वो बुनियाद रख दी है तो खुद बुनियादी हो जाएगा ऐसे नहीं है बिल्कुल यानी कि पता है वो तो बुनियाद है ना बुनियाद है बिल्कुल तो कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हमने तोबा कर लिया पानी का बपतिस्मा ले लिया है यही नजात है मगर hmm. ये कि आगे जो हमें और भी एक्सपीरियंस करना है exactly नजात की बुनियाद तो रखी जा चुकी है बिल्कुल लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप उसमें तमीर होना है बिल्कुल जिसके कोने के सिरे का पता है बिल्कुल बिल्कुल राइट right, राइट right. और मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देती होती हूँ के जो न, जो हम निजात पाते हैं या हम तोबा करते हैं या बपतिस्मा लेते हैं ये सीढ़ी का पहला स्टेप है के बहुत सारे और भी स्टेप है जिनपे चढ़ना पड़ता है और फिर हम जाके अपनी मंजिल पर पर पहुंचते पहुँचते हैं ठीक है तो इट मीन्स के हमारी जिंदगी में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है राग, राग। खुदा की हमें क्योंकि हमें तजर्बा एक और चीज आप कह रहे ना के, अच्छा ये डेली एक्सपीरियंस है हमारा खुदा के साथ जो चलना है ये एक वन टाइम नहीं है ये रोजाना की बुनियाद पर हमें खुदा की हजूरी की जरूरत है उसके कदमों में बैठने की ज़रूरत है और मरियम अगली की तरह में उसके मुर्दों में से जी उठने वाली जो कुदरत है उसका एक्सपीरियंस उसके बारे में जानना उसकी पहचान होना और उसका जो भेद है हम पर अया होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है तो यानी कि जो एक्सपीरियंस मरियम को थे मगर वो फिर भी देखिए उसको जरूरत थी कि वो उसी को पहचाने हम हम लोग समझते कि आ, अब हमारे वसीला से जो है शिफा का काम होना शुरू हो गया मोजात होना शुरू हो गया जी, 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 हमें दुआ करनी आ गई हमें बाइबल पढ़नी आ गई है हमें गीत गाने आ गए हैं हम बड़े अच्छे सरगर्म जो चर्च के लीडर्स हैं मगर देखिए कि हमें हर रोज खुदा के uh, खुदावन God. में बढ़ते wow. चले जाना है रोज बरोज wow. हमें

कि वो खुदा की अकल में जाकर दिलगीर होकर रोती थी दुआ करती थी और खुदा ने उसे बरकत उसे बेटा दिया हम कब रोते हैं जब हमारे बदन में तकलीफ होती है हम कब रोते हैं जब हम नाकाम हो जाते हैं हम कब रोते हैं जब कोई हमसे जुदा हो जाता है उस वक्त हमें रोना आता है लेकिन मैं आपको बताता चलू यहाँ पर कि हम सबकी एक लिमिट है बिल्कुल ऐसे ही है। अब शागिर्द यसु मसी को कब्र तक छोड़ा है उसको दफन कर दिया गया है और रूमी हुकूमत ने जो है वहां पर एक बड़ा पत्थर रख दिया है स्टैंप भी कर दिया है क्योंकि जो रोमस थे वो बड़े बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और उनकी जहां पर स्टैम्प हो जाती थी कोई उसे छेड़ भी नहीं सकता था ऐसे ही है। इस कदर स्ट्रोंग वो गवर्नमेंट थी इस कदर स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम था अब हमारी एक लिमिट होती है मिसाल के तौर पर हम किसी का भी जो साथ दे सकते हैं एक लिमिट में दे सकते हैं मसलन मेरा कैमरा मैन है मेरे सामने बैठा हुआ है ये मेरा हाथ है इसकी एक लिमिट है बिल्कुल मैं इसे आगे नहीं जा सकता बिल्कुल ठीक है बिल्कुल लेकिन अब वो रो इसलिए रही कि मैं महदूद हूँ मैं लिमिटेड हूँ मेरा इख्तियारा के उसे कहाँ रखा है मैं उसे ले जाऊं यहाँ पर वो अपनी बेबसी का इजहार कर, कर रही है वो अपनी इंसानी कमजोरियों का इजहार कर रही है बतौर बशर बतौर इंसान हम कमजोर भी हैं हम नामुकम्ल भी हैं और हम लिमिटेड भी हैं हमारी एक लिमिट है और हम कुछ भी करते हैं जो भी हम करते हैं वो एक लिमिट में रह कर करते हैं लेकिन अजीजों हमें जानने की जरूरत है कि हमारा खुदा और उसका कलाम उसका बेटा यसुला महदूद है ठीक है Amen. वो यस्सु को कबर तक महदूद न रख सके ठीक है और मैं गौर कर रहा था कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठे तो जो पहरेदार थे वो मुर्दा हो गए बिल्कुल ये कैसी बात है इसी तरह होता है अब यहां पर सीखने वाली बात है नई और पुरानी इंसानियत कि जब हम गुनाहों के अतबार से मर जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल तो फिर यसु मसीह में हम नया जीवन पाने के बाद रूहानी अतबार से जब जिंदा हो जाते हैं तो पुरानी इंसानियत मुर्दा हो जाती है जैसे पैरेदार मुर्दा हो हा, हा, बिल्कुर, बिल्कुर, ठीक गया ठीक है जब तक यीशु मसीह कब्र में थे अच्छा वो समझ रहे थे कि हम इसको महदूद कर देंगे हम इसको कब्र तक ही महदूद कर देंगे और वो यहां तक महदूद हो जाएगा और हैरान कन बात है कि यस्सु के शागिर्द शायद इस बात को भूल रहे थे बिल्कुल मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बात को भूल रहे थे बिल्कुल कि यस्सू ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी, जी उठूंगा लेकिन यस्सू के जो मुखालफी थे उनको याद था आ, बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने कहा कि उसने कहा था हाँ। कि तुम इस मकदस को डा दो मैं ऐसे तीसरे दिन फिर बना दूंगा तो उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा मैं गौर करता हूँ यसु के जो मुखालफी थे जो शरा के आलम थे हकूमत वक्त थी जिन्होंने तो यीशु मसीह को मसलूब किया और फिर उस आ, को जो है दफन किया गया उन्होंने उसको कब्र में रखने की महदूद रखने की कोशिश की फिर बताता चला जाऊँ यहाँ पर अजीजों के जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो जो पहरेदार थे वो मुर्दा हो गए इसी तरह जब हमें नई पैदाइश का मुआवज़ा हो जाता है नई फ़ितरत हमें मिल जाती है हमारे अंदर नया इंसान पैदा हो जाता है तो हमारी जो मुर्दा जो काम होते हैं पुरानी इंसानियत है वो डेड हो जाती है और इसलिए पालूस कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में एस्टर अभी ब्रेक का भी वक्त हो रहा है यानी अभी घड़ी पर देखा है तो अजीजो मॉर्निंग स्टार में आज खसूस ट्रांसमिशन और ये ट्रांसमिशन ईस्टर स्पेशल है ईद क्यामतलमसी पर बात हो रही है खाली खबर की बात की जा रही है रेजोरेक्ट लॉर्ड की बात की जा रही है जी उठे मुसी जैसे हम कहते हैं कि मुर्दों में से जी है अभी Amen. हम गीत सुनेंगे और ये गीत भी इस के जी उठने के ताल्लुक से है तो आए मिलकर इस गीत में खुदाम की प्रस्िश करते हैं मिलकर उसके नाम को जलाल देते हैं मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार और आज ईस्टर स्पेशल यानी मुर्दों में से जी उठना यीशु मसीह का मौत और कब्र पर गाले बाना उसका जश्न और उसकी फीस्ट और उसकी ईद सेलिब्रेट की जा रही पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हमारे नाजरीन को हमारी तरफ़ से ईद मसीह बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी रेजोरेक्शन डे एस्टर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब हमारे अंदर जो ुदा फितरत है वो खत्म हो जाती है तो फिर हमारे अंदर नई इंसानियत नई पदाश का जो खुदा पोजा करता है अब जो में है, वो नया है, वो हो जाते है। हमें लिखा चीजें नही, मैं एक दिन गौर कर रहा था कि जैसे आदम में हम सब जो है वो गुनेगार हैं ठीक है उसी तरह दूसरा आदम यानी इबन आदम उसमें हम सब निजात पा जाते हैं हमें

और हम कर रहे होते हैं तो हमें जानने की जरूरत है कि वो कौन सी मिस्टेक हैं जो कहते है पंजाबी भी जम्याव जम्याव मेरे तो, मेरे तो फिर मैंने उसे ये डिटेल ये पुरानी इंसानियत है जो खुदा हमसे दूर करना चाहिए इसी पुरानी इंसानियत को कुचलने के लिए बिल्कुल ये सु का जो बदन है वो चलनी चलनी होगी बिल्कुल बिल्कुल दर हकीकत जब वो कुचला गया है ना तो पुरानी सानियत उसने अपने ऊपर ले ली थी। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे यीशुआह पर ये भेद खुला। बिल्कुल। आ, एले युहू जो हैं एस्ट्रो वो यीशुआह का जो थ्रीपन बाब, बाब है, वो नहीं पढ़ते क्योंकि वो कहते हैं मसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो ये समझते हैं कि जो मसीह है जो सेवियर है बिल्कुल आ, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो दुनिया को बचाने आएगा तो ये क्यों कर हो सकता है कि वो मसलूब किया जाए वो घायल किया जाए उसे कोड़े मारे जाए क्योंकि जो तस्वीर यसाया ने खेची है ना वैसे फील होता है कि उसके सामने वो मंजर था बिल्कुल जब यसुम सी सलीब उसे दी गई उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं वो मर्द गमनाक रंज था ये सारी पिक्चर जो नबियों ने कई सदियां पहले बता दी थी स्लीप का जो नक्शा है जमीन पर नहीं बनाया ना को मत ने बनाया बिल्कुल ऐसे ही। ना जो उन्होंने बनाया बिल्कुल। ना इबलीस ने बनाया बिल्कुल। स्लीप का जो नक्शा है ये आसमान पर अजल बनाया। ही है। से है अजल ही से है क्योंकि वो अजल से सिवा किया हुआ बर रहा है आमेन आमेन सो अजीजो आज हम इस बात को सीखते हैं कि स्लीप का जो नक्शा है आमें। आमें स्लीप का जो प्लान है स्लीप की जो पिक्चर है ये आसमान पर बनी है और फिर यह मार्फत के पैगाम में मिला है कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे को बर्दाश्त बर्दाश किया हमारी खताओं किस मत से, से किया हमारी ही सलामती की उस पर सियासत हुई ताकि उसी के खाने से हम शिफा पाए तो आज आपके लिए खुशखबरी है कि और बीमारी और लानते और गुना और गुनाहों की सजा हमारी थी लेकिन उसने अपने ऊपर ली और वो स्लीपर कुचला गया उसे कोड़े मारे गए कांटों का ताज रखा गया और नेजा मारा गया और मेरे जिजो पुरानी इंसानियत वहां पर कुचली गई है ताकि यीशु मसी के जी उठने से हमें नई इंसानियत तोहफे में मोजे के तौर पर मिले। बिल्कुल बिल्कुल आमीन बतौर मसीही ये हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात एजाज है एजाज की बात एजाज है एजाज की बात है कि हम यूनिक है। हैं आमीन खुदा ने हमें यूनिक बनाया यूनिक हम इसलिए हैं क्योंकि जिस पर हम ईमान रखते हैं उसकी कब्र खाली है वाव प्रेज गॉड व्हाट अ ग्रेट जॉय कितनी खुशी की बात है कि जिसकी हम मुनादी करते हैं वो ना तो कब्र में है और ना जमीन पर है वो बल्कि आसमान पर है बाप की धानी तरफ बैठा बाप की धानी तरफ बैठा है इसीलिए तो जब हम जब मॉर्निंग में हम जुलूस निकालते हैं सनराइज सनराइज सर्विस करते हैं करल हम निकालते हैं तो उसमें इतनी गर्मजोशी होती है इतना उसमें एक वलवला होता है एक बड़ा ऐसे दिल को छू जाने वाला वो मंजर होता है कि दिल चाहता है कि ये सुबह अब खत्म ही ना हो ये ये मूवमेंट ये ये, हाँ ये लम्हात खत्म ना बिल्कुल से तो ये हमारे लिए खुशी इसलिए होती है क्योंकि वो जी उठा है उसके जी उठने की जो खुशी है वो बेमिसाल है बेमिसाल बे उसकी कोई मिसाल नहीं उसकी कोई मिसाल नहीं है इवन के मैं भी अपने बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे अंदर

उनके लिए पिंजरा जो है उसमें अगर वो सला साल रहते हैं ना तो वो कम्प्रोमाइज कर लेते हैं आदि हो जाते हैं हाँ जी आदि हो जाते हैं कैद में रहने के बिल्कुल इसी तरह कई लोग नजरियात की कैद में है कई लोग शतान के कब्जे में कई लोग बदरूहों के कब्जे में कई लोग तरह तरह के जुवे और बंधनों में योग है उनकी जान के ऊपर जुवे हैं बंधन है बिल्कुल बोझ है उनके ऊपर उसके कब्जे में सला साल से उन्होंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है आदि हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा अब मरियम की जो कंडीशन है यहाँ पर वो ये है कि यसु सामने खड़ा है और वो यसु को पहचान नहीं रही यानी वही यसु जिसके पास बैठकर वो सीखती रही है वही यसु आ, जिसने उससे बदरूहों से रिहाई दी वही यसु जिसने उसके भाई को जिंदा भी किया है अब वो सामने खड़ा है और वो उसे पहचान वो रोती जा रही है, है वो रोती जा रही है वो मायूस ही नजर आ रही है आज कितने लोग हैं सुख जी भी उठा है उसने हमारे लिए निजात का दरवाजा भी खोल दिया है लेकिन हम फिर भी कैदियों की तरह रोते जा रहे हैं रोते जा रहे इसलिए शुरू में जो टॉपिक मेरे सामने आया था मौजूद था इस हवाले में वो ये था ए औरत तू तो क्यों रोती है? है तो आज कितने लोग हैं जो रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं रो रहे हैं वो वसाइल नहीं है रो रहे हैं सेहत नहीं है रो रहे हैं बच्चे नाकाम है रो रहे हैं बिजनेस में फेलियर है रो रहे हैं बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं रो रहे हैं शादी नहीं हो रही रो रहे हैं हमारी औलाद नहीं है रो रहे हैं मिनिस्ट्री में कामयाबी नहीं है क्योंकि वो लोग अभी तक सलाखों के साथ टकरे मारे उस परिंदे की तरह जो ये नहीं जानता कि पिंजरे का दरवाजा खुल चुका है यीशु ने कबर का दरवाजा खोल दिया है मौत और कबर पर फता फता है फता पाइय एक इलमेलाही के माहन लिखते हैं इसके बारे में के पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु को जिंदा किया जाए बल्कि इसलिए हटाया गया कि लोग देख लें कि कब्र में नहीं है नहीं है, Amen. है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे अजीजो हम शुक्रगुजारी करते हैं दुनिया और कौमों के पास ऐसा मैसेज नहीं है जो इंजील में है कि हम जिस यस्ु की इबादत करते हैं जिस खुदा के बेटे का हम प्रचार करते हैं जिसके नाम के लिए गीत गाए जाते हैं जिसकी शुक्रगुजारी की जाती है और मुझे यहाँ पर एक बात भी याद आ रही कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि बाइबल में आना झील के अंदर कहीं ने लिखा कि यीशु को सजदा किया जाए उसकी प्रस्िश की जाए और इसी तरह बहुत सारे नाम नहाद फ़िरके ऐसे भी हैं जो यीशु की अलोहीत के ऊपर सवाल करते हैं तो उनके लिए मेरा जवाब होता है कि जब यसु मसीह ने पतरस की ज़िंदगी और उसकी कश्ती में मुआवजा किया तो लिखा है वो उसने उसे सजदा किया बिल्कुण और कहा है मेरे खुदा बंद है मेरे खुदा हाँ। तो अगर यसु प्रस्तिश के लायक ना होता तो वो फौरन उसे झड़कता कि पतरस मुझे सजदा ना मुझे सजदा ना कर, न कर। मुझे ये ना कह क्योंकि यसुमसी खुदा का अजली कलाम अजली कलिमा बिल्कुल, है, अब्दी है बिल्कुल और अबदी कलमा है जब से खुदा है तब Amen. से उसका कलाम Amen. है तब से उसका बेटा है yes. जब से खुदा है तब से बेटा यानी कलाम उसके साथ है Amen. क्योंकि आप अपने कलाम अपने अल्फाज को अपने आप से लग नहीं कर सकते बिल्कुल. तो इसी तरह खुदा का कलाम भी खुदा से लग नहीं हो सकता yes, वो उसका अजली और अबदी कलाम और कलिमा और बेटा है और अजल ही से बाप के साथ है इसलिए मेरे मरियम मरियमलिनी की तरह आज बेशुमार लोग मायूसियों में तारीखियों में उदासियों में महरूमियों में रो रहे हैं और उनके लिए भी ये बात है जैसे मरियम को कहा ए औरत तू क्यों रोती।, क्यों रोती पहले फरिश्तों ने कहा बिल्कुल और फिर खुद, खुद खुदावन ने कहा अच्छा अब फिर वो क्या कहती है यीशु को बागबान समझ रही है <laughs> कि अगर तूने मेरे खुदावन को कहीं रखा है तो मुझे अच्छा गौरतलब क्यों वो मायूस है क्यों वो रो रही है क्योंकि वो वो यस्सु जो मसलूब हुआ था जो मर गया था उसको ढूंढने आई है वो उस को मिलने नहीं आई जो रेजोरेक्टेड हो चुका है इसलिए रो रही है आज इसलिए लोग रो रहे हैं और मैं शुक्र गुजार हूँ इस बात के लिए वरना हो सकता है मसीह भी मातम करते बिल्कुल यस्ु की खाली खबर दुनिया को यह पैगाम देती है और मसीहों के लिए भी ये मैसेज है कि आप कभी ईस्टर के मौका पर गुड फ्राइडे के मौका पर मातम ना करें ये योम सोग नहीं बल्कि योम आजादी क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन ही जिस दिन यीशु ने जान दी थी कि वो दिन था जो ईद फसा के तौर पर यूदी मनाते थे और पहली ईद फसा मिस्र में मनाई थी और उस ईद के नतीजे में ईद फसा के नतीजे में बन इसराइल मिस्र की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए जिस दिन यस्सु ने जान दी थी दुनिया के तमाम गुनेगार दुनिया की तमाम कौमें इस बात को सुन ले कि उस दिन ये मसीह ने गुनेगारों की निजात और आजादी का ऐलान ही नहीं किया बल्कि काम मुकम्मल किया और पर कहा तमाम हुआ यानी बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा कर दिया तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए अजीजो आज मॉर्निंग स्टार में हम सेलिब्रेट करें मैं और एसट्रो बड़े एक्साइटेड है और हम शुक्रगुजार <laughs> इस बात के लिए <laughs> कि आप प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं आज जरूर इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें आप क्यों रोते हैं अब रोने की वजह

गुड न्यूज़ है कि जो सबसे पहले पहुंची हैं खाली कब्र पर वो औरतें हैं ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि यीशु के जी उठने की खबर औरतों ने पहुँचाई wow, थी शागिर्दों तक तो ये हमारे लिए बासी बरकत बात है hmm. तो मैं तमाम वुमेंस को तमाम बेटियों को मैं इनक्रेज करना चाहती हूँ कि वो अपने लिए अपने ख़ानदानों के लिए वोट खड़ी हों और Uh, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ खुदा दु यसुम सी जब सलीम पर जब उठाई हुई थी खुदा दु सी ने सलीम तो औरतें पानी पिला रही थी तो खुदा दु यसुम सी ने कहा था कि मेरे लिए ना रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो रो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि हम उनके लिए शफायत करें उनके लिए दुआ करें ताकि उनकी ज़िंदियाँ बच जाएँ आप माँ बाप जो हैं ये सब कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए शफायत किया करें दुआ किया करें ताकि वो भी नजात पाएं और ये मसीह के खानदान में वो शामिल हो जाए क्योंकि जब हम उसे कबूल करते हैं तो फिर हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज्यादा इध क्या मुबारक हो हैपी रेजो अजीजो मैं उम्मीद करता हूँ ईद क्यामतमसी की क्यामत की ईद और रेजोरेक्शन फीस्ट यस मसीह का जी उठना उसकी सेलिब्रेशन आप सबों को मेरी तरफ से एस्टर जैसे आप सबको विश कर चुकी हैं पी एम आई टेलीविज़न और हमारी सारी जो चर्च और फैमिली और साथी जितने पी एम आई टेलीविज़न में काम करने वाले लोग हैं उन सबों की तरफ से आपको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो अपना और दूसरों का ख्याल रखें और मेरी दुआ है कि खुदा मंद आपकी मदद करे ताकि आप भी आप मरियम जिसके ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ आप भी उस कुत्त को ले सकें और दूसरों तक इस पैगाम को लेकर जा सकें जैसे एस्टर ने बताया औरतें जो हैं यीशु की कब्र पर गईं और उन्होंने यसुके जी उठने की खबर शागिदों और बाकी लोगों को भी बताई तो आप भी यसु मसी के जी उठने का प्रचार करें ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अपना और दूसरों का ख्याल रखें अपनी आरा फीडबैक जरूर दिया करें स्क्रीन पर हमारा ई एड्रेस और हमारे मोबाइल नंबर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है आप दुआ के लिए कॉल कर सकते हैं आप अपनी आरा पेश कर सकते हैं फीडबैक देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल पी एम आई टी वी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पर भी देख सकें अपना और दूसरों का ख्याल रखें की वॉचिंग पी एम आई गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल